हेलो स्टूडेंट्स, आज ये हमारा प्लस टू क्लास की डिटर्मिनेंट चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। आज का हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले देखिए, आपने पढ़ा हुआ है कि पीछे वाली क्लासेस में भी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डिफरेंट डिफरेंट हम फॉर्मूला से निकालते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या होता है फॉर्मूला। जैसे एक ट्रायंगल है ए बी सी और ये इसके क्या दे दिए गए वर्टिसेस, ए के क्या हो जाएगी x1 y1 x2 y2 and x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास इसके डिटर्मिनेंट में, 1/2 सबसे पहले होता है यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 and 1 1 1। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिर्फ आपको एग्जाम में क्या दे दिए जाएंगे, क्वेश्चंस आ जाएंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, वर्टिसेस दे दी जाएंगी एरिया की, आपको इनकी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करनी है और डिटर्मिनेंट को क्या करना है एक्सपेंड करना है, वहां से आपका क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे क्या होता है, ये जो थर्ड कॉलम है ना 1 1 1, ये फिक्स होती है। फर्स्ट में क्या होता है x1 x2 x3 होता है फर्स्ट के लिए, x होता है फर्स्ट कॉलम के लिए, सेकेंड में y1 y2 y3 होता है, या आप इसको वैसे बोल सकते हैं कि ये 1 1 1 फिक्स हो गया, यहाँ पे फर्स्ट वर्टिसेस आ जाएंगे, ये सेकंड आ जाएंगे और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे थर्ड आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे और हम क्या कह सकते हैं, जो इसका आंसर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का उसे हम किस में लिखते हैं, स्क्वायर यूनिट के अंदर लिखते हैं। और इसके अंदर जब भी हम फॉर्मूला लगाते हैं और अगर हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया हमने डिटर्मिनेंट का और अगर हमारा आंसर नेगेटिव आ जाता है तो भी हम उसको किस में लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल की जो वैल्यू होती है वो एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं हम। यहाँ पे एब्सोल्यूट का मीनिंग आपको पता होगा, जो भी वैल्यू आएगी हम उसका क्या कर देंगे, मॉडुलस कर देंगे। तो प्लस वाली तो प्लस ही रहती है और माइनस वाली भी क्या हो जाती है, प्लस ही आ जाती है। देखिए जैसे मान लो कोई भी मैंने एक क्वेश्चन लिया और उसको मैंने इसमें पुट किया और मेरे पास आंसर आ गया 13 स्क्वायर यूनिट्स आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो ठीक है मैं यहाँ पे उसे 13 ही लूंगी आंसर के लिए। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे -13 आ जाता है अगर डिटर्मिनेंट सॉल्व करके आंसर, तो भी मैं उसका आंसर क्या लूंगी, प्लस का 13 स्क्वायर यूनिट्स लूंगी। यही बात मैंने आपको बताई है कि यहाँ पे हम क्या लेते हैं, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। क्लियर, आपको मैं क्वेश्चन से करवाती हूँ, वहां से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा इसका फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का। देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एट द पॉइंट्स। हमें पॉइंट्स क्या गिवन है, फर्स्ट है 0 0, सेकंड है -2 3 एंड थर्ड क्या हो गया, ये हमें क्या होगी इसकी वर्टिसेस गिवन है, हमें क्या करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। हम इनकी वैल्यूज किस में पुट कर देंगे, फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूला क्या है, 1/2। सबसे पहले मैं 1 1 1 जो फिक्स है उसे लिख देती हूँ। x1 y1 का मतलब क्या है हमारे पास, फर्स्ट ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और थर्ड वाला क्या है x3 and y3। आप इसकी वैल्यू किस में पुट कर दोगे, फॉर्मूले में। तो क्या पहले पे क्या जाएगा 0 0, आफ्टर दैट -2 and 3, After that 10 and 7। अब मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है और वो क्या हो जाएगा इसका आंसर। मैं इसे रो फर्स्ट के थ्रू एक्सपेंड कर दूं, अब तो आपको अच्छे से आ गया होगा एक्सपेंड करना, 0 into something 0 0 into something 0, तो ये क्या जाएगा यहाँ पे मेरे पास 1 into 7 की मल्टीप्लाई -2 से, -10 की किस से हो जाएगी 3 से, तो क्या जाएगा यहाँ पे मेरे पास 30। अब यहां से क्या जाएगा 1/2 into -4 4 और क्या आ जाएगा माइनस का 22 स्क्वायर यूनिट्स, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, बस कुछ नहीं है यहाँ पे, हमें एरिया कैसे निकालना है, हमें वर्टिसेस गिवन होंगी, हम फॉर्मूले में उन्हें पुट करेंगे और उसके बाद उसे एक्सपेंड कर देंगे। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर क्या पॉइंट आता है, कोलिनियर का, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, ऑफ
थ्री पॉइंट्स। यहां पे देखिए सबसे पहले क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये होता है फॉर्मूला। अगर हमें तीन वर्टिसेस दे दी जाएं पेपर में कि तीन वर्टिसेस हैं एरिया उसकी ट्रायंगल की और हमें बताना है कि क्या ये कोलिनियर है कि नहीं पॉइंट्स, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोलिनियर के लिए क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखिए जीरो का मतलब क्या है, अगर किन्हीं इसका हमें फॉर्मूला हम लगाते हैं और वो हमारे पास जीरो आ जाता है, दैट मीन्स जो तीन हमें पॉइंट्स दे रखे हैं या वर्टिसेस दे रखी हैं, अगर वो मान लो यूं होगा तो भी वो ट्रायंगल बना लेगा, किसी भी शेप में होंगे तो वो ट्रायंगल बनाएंगे ना, चाहे टेढ़े हो सीधे हो जैसे मर्जी हो, लेकिन एरिया अगर जीरो आ गया दैट मीन्स वो तीनों पॉइंट्स इन शेप्स में है ही नहीं, है ना। तो वो किस शेप में है, वो एक स्ट्रेट लाइन में है तीनों पॉइंट्स, और कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक लाइन पे ही तीनों पॉइंट हो, कोलिनियर नाम आ जाए चाहे और स्ट्रेट लाइन नाम आ जाए, दोनों के लिए कंडीशन क्या होती है, बिल्कुल सेम, चाहे स्ट्रेट लाइन आ जाए, क्लियर, कोलिनियर आ जाए चाहे स्ट्रेट लाइन आ जाए, सेम होती है बात। क्या होता है हमारा, क्या आना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर जीरो आ जाए उसका आंसर, दैट मीन्स कोलिनियर है, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और अगर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, फॉर एग्जाम्पल कंडीशन दे दी जाए कि ये पॉइंट्स है ये कोलिनियर है और हमें कोई भी फाइंड करना दे दिया जाएगा कि के वैल्यू फाइंड करो, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले को जीरो के इक्वल लेके चलेंगे और वहां से के की वैल्यू आ जाएगी। ये मैं आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से करवाती हूँ, ये आपको क्लियर हो गया होगा। जहां पे भी कोलिनियर नाम आ जाए और स्ट्रेट लाइन नाम आ जाए तो क्या होता है उसका मतलब, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाना चाहिए, जीरो आ जाना चाहिए। क्वेश्चन देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू, वैल्यू ऑफ एक्स द पॉइंट्स 2-1-3-4 and x5 आर कोलिनियर। देखिए अब हमें क्या दे दिया, ये कहता है कि ये जो है कोलिनियर है, कहता है फॉरवर्ड वैल्यू x की वैल्यू फाइंड करनी है पॉइंट्स, ये हमें कोलिनियर गिवन है। कोलिनियर गिवन का मतलब क्या होता है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को हम जीरो के इक्वल लेके चलेंगे, पुट कर दीजिए फॉर्मूले में वैल्यू, लास्ट फर्म 1-1 फिक्स है, ये क्या हो जाएगा 2-1-3-4 एंड एक्स एंड फाइव, इसको हम किसके इक्वल लेके चलेंगे, जीरो के इक्वल लेके चलेंगे। अगर यहाँ कोलिनियर की जगह स्ट्रेट लाइन भी नाम आ जाता तो भी कंडीशन क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम होता है। अब देखिए मैं इसे एक्सपेंड कर दूंगी, रो फर्स्ट के थ्रू एक्सपेंड कर देते हैं हम इसे, क्या जाएगा 2 × 4-5 After that -1 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस वाला प्लेस है, क्या हो जाएगा -3-x, फिर क्या हो जाएगा +1, क्या हो जाएगा -15-4x इक्वल टू क्या गिवन है, जीरो। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा 1/2 2 × -1, ये क्या हो जाएगा -3-x, After that -15-4x इक्वल टू क्या है, जीरो। ये भी क्या हो जाएगा -2 ही आ जाएगा। अब देखिए -4x - x क्या आ जाएगा -5x, 15 और 5 कितना हो जाएगा -20 इक्वल टू क्या है, जीरो है। ये 1/2 उधर ले जाएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए क्या आ गया मेरे पास, -5x - 20 = 0, देन 5x = क्या आ गया, +20, देन x = क्या आ जाएगा 20/-5, एक्स की वैल्यू आ गई -4, और यही हमें लेके आना था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो तो मैंने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल में वैल्यू पुट करी, उसको किसके इक्वल रखा, जीरो के इक्वल रखा, और वहां से किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन कहीं पे भी कोई भी स्टेटमेंट आ सकती है, कंडीशन आ जाए कोलिनियर की, तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल में वर्टिसेस की वैल्यू पुट करोगे और उसके बाद उसको किसके इक्वल रखोगे, जीरो के इक्वल रखोगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट्स a+5, a-4, a-2, a+3 एंड
ए ए डू नॉट लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन. फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए. देखिए कहता है कि ये जो तीन पॉइंट्स दे दिए ना, कहता है डू नॉट लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए. तो मैंने क्या बताया था आपको, स्ट्रेट लाइन नाम आ जाए, कोलिनियर नाम आ जाए, आप इन पॉइंट्स को एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में पुट करो, उसको इक्वल टू जीरो के रखो. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वन बाय टू क्या आ जाएगा, ए प्लस फाइव ए माइनस फोर. वन 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 फिक्स है, इक्वल टू जीरो लेके चलना है क्योंकि स्ट्रेट लाइन दे रखा है हमें. नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ए माइनस टू ए प्लस थ्री, आफ्टर दैट ए ए. तो हम इसे थोड़ा इजी करने के लिए आप एक्सपेंड भी कर सकते हो, इसमें कोई वो कंडीशन नहीं है कि हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने हैं. लेकिन अगर आप ऑपरेशन लगाते हो तो क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा. वन 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 कॉलम में है ना, तो हम रो के ऑपरेशन लगा देते हैं. तो यहां हम ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं इसके अंदर, आर टू माइनस आर वन एंड आर थ्री माइनस आर वन. तो हम इसमें आर वन को नहीं छेड़ेंगे, वन बाय टू आ जाएगा. क्या आ जाएगा, आर वन ए प्लस फाइव ए माइनस फोर वन एज इट इज. पहले आर टू माइनस आर वन करते हैं, यानी कि दिस माइनस दिस, तो क्या आ जाएगा, ए माइनस टू माइनस ए माइनस फाइव. आफ्टर दैट ए प्लस थ्री माइनस ए प्लस का फोर, और वन माइनस वन, वन माइनस वन क्या होता है, जीरो होता है. नेक्स्ट आर थ्री माइनस आर वन, तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो. यहां से क्या आ जाएगा, ए माइनस ए प्लस फोर, आफ्टर दैट ए माइनस का फाइव आ गया. अब देखिए यहां से क्या क्या कैंसिल आउट होता है, ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, हटा देते हैं यहीं पे, ठीक है. ए से ए कैंसिल, यहां पे भी ए से ए कैंसिल. अब ये क्या बच गया हमारे पास, वन बाय टू ए प्लस फाइव ए माइनस फोर वन. ये कितना हो जाएगा, माइनस सेवन, सेवन जीरो माइनस फाइव फोर एंड जीरो. और इसको किसके इक्वल लेके चलेंगे हम, जीरो के. अब हम क्या कर देते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं किसके थ्रू, कॉलम थ्री के थ्रू. तो यहां से क्या हो जाएगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस. तो क्या हो जाएगा, वन बाय टू ये कितना हो जाएगा, माइनस ट्वेंटी एट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, थर्टी फाइव. अब यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास, थर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी एट कितना आ जाएगा, सेवन बाय टू इक्वल टू. तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, सेवन बाय टू इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स टू उधर चला जाएगा तो सेवन इक्वल टू जीरो. क्या ये बात पॉसिबल है कि सेवन जीरो के इक्वल होता है, नॉट, दिस इज नॉट पॉसिबल. तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट है कैन नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए, क्योंकि सेवन इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी. तो हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट्स है ये स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं करेंगे किसी भी ए की वैल्यू के लिए. अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की जगह अगर कोलिनियर नाम भी आ जाता तो भी हम क्वेश्चन को बिल्कुल सेम करते. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर सेंटीमीटर विद द वर्टिसेस के फोर टू माइनस सिक्स एंड फाइव एंड फोर. क्वेश्चन क्या है यहाँ हमारे पास, ये कहता है कि हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है और एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है और हमें तीन वर्टिसेस गिवन है. हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू वो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं. आपको पहले मैं ये क्वेश्चन कराने से पहले एक थोड़ा सा कंसेप्ट बताती हूँ. मैं एक डिटर्मिनेंट लेती हूँ, जीरो जीरो वन 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 टू फोर वन. मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया, वन 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 तो क्या होता है, फिक्स होता है. ये वर्टिसेस लिए हैं कोई ट्रायंगल की, क्या लिए मैंने, जीरो जीरो वन वन
और 2, 4, ठीक है। मैं इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालती हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो वो क्या आएगा, मैं इसे एक्सपेंड कर देती हूँ इसके थ्रू, 4 × 1, 4 − 2 × 1, 2, 2/2, यहां से मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अब आप देखिए, अगर मैं यहां से किन्हीं कॉलम को इंटरचेंज कर देती हूँ, कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज कर देते हैं तो बाहर माइनस आ जाता है ना। अगर मान लो इनको मैं इंटरचेंज करती हूँ, ये तो एक बार सिंपल आंसर आ गया इसका 1। अब देखिए इसका आंसर आ गया 1। अब सिमिलरली अगर यही क्वेश्चन हमें गिवन होता, हम यहाँ पे क्या कर लेते, अगर इसको कॉलम दूसरी हो जाती तो देखिए क्या होता, 0, 1, 4, 0, 1, 2, 1, 1, 1 होता, ठीक है। अब इसका आंसर निकालते हैं हम, क्या आ जाएगा इसका आंसर, एक्सपेंड कर दिया 2 आ जाएगा, 2 − 4, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, 1/2 × −2, देन आंसर इज −1। तो देखिए कुछ नहीं किया, अगर वर्टिसेस तो वही 3 थी, देखो आप सेम है बिल्कुल, सिर्फ इसको यहाँ करा तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई, 1, और एक बार डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई मेरे पास, −1। लेकिन आंसर के अंदर मैं इन दोनों को मिलाऊं, अगर 1 होता है तो भी आंसर 1 ही लिखा जाएगा, −1 होता है तो भी आंसर क्या लिखा जाता है, 1 ही लिखा जाता है। तो यहां से मैंने आपको बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल की जो हमारी वैल्यू आती है वो क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। बट क्या हमें पता है कि वो जो प्लस में वैल्यू आ रही है क्या वो प्लस से ही आ रही है या माइनस से आ रही है, ये तो हमें नहीं पता ना, क्योंकि वो तो हम लास्ट में उसको प्लस में लिखते हैं। तो यहां से क्या एक रिजल्ट हमारे पास ड्राइव होता है इस एग्जाम्पल से, कि देखो यहां पे हमें 35 एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, तो मैं यहां पे क्या करूंगी, फॉर्मूले में ये वर्टिसेस पुट करके 2 − 6 = 5, 4 को प्लस माइनस 35 के इक्वल रखूंगी। ध्यान देने वाली बात है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन था ना, वो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि प्लस में आंसर आता है, बट हमें ये तो नहीं पता ना कि उसकी वैल्यू प्लस आ रही थी क्या माइनस आ रही थी। तो अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है और हमें यहां से के की वैल्यू लेके आनी, अब हमें नहीं पता कि के कैसा एलिमेंट होगा कि उससे हमें प्लस का मिलेगा डिटर्मिनेंट या माइनस का मिलेगा, तो हम क्या करेंगे उसको प्लस माइनस के इक्वल रखेंगे। अब हम क्या करेंगे इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, विथ रो फर्स्ट के इंटू −6 − 4 − 4 आ गया, 2 − 5 + 1 आ गया, 8 प्लस कितना आ गया 30 इक्वल्स टू +−35। अब यहां से क्या आ जाएगा 1/2, ये कितना आ गया माइनस का 10 के, यहां से क्या आ जाएगा −3 और −4 प्लस का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये कितना हो गया प्लस का 38 इक्वल्स टू +−35 हो गया। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/2 × −10 के 38 प्लस 12 कितना हो जाएगा 50 इक्वल्स टू 30 प्लस माइनस 35 हो गया। तो देखिए अब हमें 1/2 को यहाँ पे डिवाइड कर देते हो, हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, −5 k + 25 = ±35। अब मैं यहाँ से क्या करूंगी, एक बार तो इसको +35 के इक्वल रखूंगी और एक बार इसको −35 के इक्वल रखूंगी, तो क्या आ जाएगा +25 = 35 और एक बार क्या रखूंगी इसको +25 = −35 रखूंगी, यहां से क्या आ जाएगा −5 k = 35 − 25। तो यहां से देखिए अब क्या आ जाएगा −5 k = कितना आ गया 10 आ गया, देन k = − क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, एक वैल्यू तो k की क्या आ गई −2, दूसरी देखिए −5 k = −35 − 25, देन −5 k = −60, माइनस से माइनस क्या आ जाएगा यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो k = क्या आ जाएगा 60/5, देन आंसर इज 12। तो एक तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 और एक k की वैल्यू क्या आ जाएगी −2। तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए वर्टिसेस यहाँ पे चेंज आ जाएगी, अगर दे दिया जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे 35 लिया जैसे मैंने, कुछ भी आ जाएगा, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला इक्वल टू कुछ भी जो दिया होगा उसको प्लस माइनस के इक्वल रखना, वहां से के या एक्स या वाई कुछ भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, उसकी क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। तो डिटर्मिनेंट्स में आज हमारा यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है, यहाँ पे जितने भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज करवाई हैं वो अच्छे से कीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल की छोटी सी एक्सरसाइज है बिल्कुल उससे अच्छे से कीजिए। थैंक यू।